जय केदारनाथ जी, आज हम बात करेंगे कि आप केदारनाथ जी या चारधाम के लिए यात्रा पर्ची या रजिस्ट्रेशन कैसे ऑनलाइन करेंगे। वैसे गवर्नमेंट ने 14 सेंटर और 40 काउंटर उत्तराखंड में खोले हैं, जैसे हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के पास और पंडित दीनदयाल पार्किंग में, ऋषिकेश में रोडवेज बस स्टैंड के पास और हेमकुंड गुरुद्वारे के पास, यमुनोत्री में जानकी चट्टी, गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग, गोविंद घाट और उत्तरकाशी। पर यात्रा के दौरान काउंटर में समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने की मेन गवर्नमेंट वेबसाइट है onlinechardhamyatra.in, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराते वक्त कोई भी मुश्किल आती है तो आप इन्हें ईमेल या कॉल भी कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आइए अब रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। उत्तराखंड टूरिज्म की एक और वेबसाइट है uttarakhandtourism.gov.in, आप इस वेबसाइट से भी मेन वेबसाइट पर जा सकते हैं onlinechardhamyatra.in। में आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स, नाम, जन्मदिन, ईमेल आईडी, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और एक परिचय पत्र की जानकारी देनी होगी। आप कौन कौन से परिचय पत्र का प्रयोग कर सकते हैं वो सब ऑप्शन में उपलब्ध है। इसके बाद आपको एक स्क्रीन में मैसेज कुछ इस तरह से आएगा। अब आपको एक मेल आ जाएगा जिसकी लिंक से आपको 24 घंटे के अंदर अपना अकाउंट एक्टिवेट करना होगा। सिर्फ क्लिक हियर में क्लिक करके आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी मेल में आपको आपकी आईडी और पासवर्ड भी मिल जाएगा। एक बात और, अगर आपको अपने मेल बॉक्स में मेल नहीं दिख रहा है तो अपने जंक या स्पैम फोल्डर को भी चेक कर सकते हैं। अब आप मेन वेबसाइट में आके अपना आईडी, जो कि आपका ईमेल एड्रेस है, और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें। अब बुक दर्शन में जाके अब आपको यात्री की संख्या बतानी है, फिर आपको कौन से धाम जाना है, किस दिनांक डेट को आपको जाना है, ये सारी जानकारी आप दे दें। आप यहां से हेमकुंड जी का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब प्रोसीड का बटन क्लिक करें और फिर अगर सारी जानकारी सही हो तो कंफर्म कर दें। अब आपको यात्रियों की सारी जानकारी देनी होगी, जैसे नाम, आयु, मोबाइल नंबर, परिचय पत्र और उसका नंबर और एक फोटो। आप एक ही मोबाइल नंबर सब में डाल सकते हैं। फोटो 200 केबी से छोटा और क्लियर होना चाहिए। प्रोसीड करने के बाद आपके स्क्रीन में बुकिंग आईडी और बाकी जानकारी दिखने लगेगी। फिर आप जनरेट एक्सेस कार्ड में जाके अपना रजिस्ट्रेशन को देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कार्ड या यात्रा पर्ची आपके ईमेल में भी आ जाएगी। आपको इसका प्रिंट लेके अपने साथ यात्रा में लाना होगा। सब यात्री की अलग अलग यात्रा पर्ची आपको अपने मेल पर मिल जाएगी। आप इस वेबसाइट से उत्तराखंड के गवर्नमेंट होटल, कॉटेज, डॉर्मेट्री भी बुक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो फिर प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें और दूसरों के लिए शेयर भी करें। और चैनल में
नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपकी यात्रा भोले बाबा मंगलमय बनाए। जय केदारनाथ जी।